हेलो गाइस, वेलकम टू राइस स्टडी पॉइंट चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, हमारा आज का टॉपिक है सेकेंडरी एजुकेशन। ये बीएड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केवल बीएड के लिए ही नहीं, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन क्या है। सेकेंडरी एजुकेशन एक इंटरलिंक है हमारे प्राइमरी और हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन का दूसरा नाम मुडालियर कमीशन है। अब मेन एम क्या है सेकेंडरी एजुकेशन का? सेकेंडरी एजुकेशन का मेन एम ये है कि जो प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट फेस कर रहे थे सेकेंडरी एजुकेशन के टाइम, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, हमारे स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन ब्रिटिश रूल के ड्यूरेशन में, इसका मेन एम क्या था कि कैसे में कैसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को भी बढ़ावा दिया जाए। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इन 1952। अब ऑफिशियली जो सेकेंडरी एजुकेशन अपॉइंट किया गया था वो 1953 में किया गया था, लेकिन इसके अपॉइंटमेंट प्रोसीजर स्टार्ट 1952 में हो गया था। नेक्स्ट इज करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। अब करिकुलम में क्या इंक्लूड किया गया है जो सेकेंडरी लेवल है? सेकेंडरी लेवल मीन्स क्लास 9th और 10th में ऐसी कौन कौन से एजुकेशन है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कंपलसरी है हमारे स्टूडेंट को पढ़ाना। सबसे पहले मदर टंग हिंदी, इंग्लिश, नेक्स्ट इंग्लिश, थर्ड संस्कृत, उर्दू या फिर अदर लैंग्वेज, फोर्थ मैथमेटिक्स, फिफ्थ साइंस, सिक्स सोशल स्टडीज, सेवन कंप्यूटर, एट वर्क एजुकेशन, नाइन्थ पीस एजुकेशन एंड टेंथ इज आर्ट एजुकेशन। सो दीज आर द कंपल्सरी सब्जेक्ट। ये बिल्कुल कंपल्सरी सब्जेक्ट है जो कि क्लास 9th और 10th के हर स्टूडेंट्स को पढ़े। नेक्स्ट इज नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए, हमारे इन्फेंट हैं, चिल्ड्रन हैं, एडोलसेंट्स हैं, अडल्ट हैं, सबकी मेंटल एज लेवल डिफरेंट डिफरेंट होता है, सबका साइकोलॉजी लेवल डिफरेंट होता है। तो हमें सेकेंडरी एजुकेशन को पढ़ने की नीड क्यों है? देखिए, सेकेंडरी एजुकेशन एक पूरी यूनिट है खुद में। ये क्या है? बेसिस है। अगर कोई भी मैन पावर का डेवलपमेंट करना है तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है सेकेंडरी एजुकेशन। हमें अगर मेंटली डेवलपमेंट करना है, फिजिकली डेवलपमेंट करना है, दोनों में हेल्प करता है सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट इज वोकलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हमें सेकेंडरी एजुकेशन में वोकलाइजेशन प्रोसेस की नीड क्यों पड़ी? क्या कारण था ऐसा कि हमें वोकलाइजेशन प्रोसीजर की नीड पड़ी? सबसे पहला है कि जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो फेल है, इसलिए हमारे ह्यूमन बींग का ऑलराउंड डेवलपमेंट करने में, वो फुली डेवलपमेंट करने में सक्सेस नहीं है। बाय वोकलाइजेशन इज मीन वोकेशन ओरिएंटेड एजुकेशन। हमारे जो चिल्ड्रन हैं उनको वोकेशन ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू वो अपना फ्यूचर बने। इन वोकेशनल स्किल स्टूडेंट्स शुड बी टॉट सम स्किल्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, साइंस, एग्रीकल्चर, अदर प्रैक्टिकल वर्क। ऐसा